जय माता दी, जय माता दी। सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेंगे। अब की बार पूरे 9 के 9 दोस्तों व्रत होने वाले हैं। एक भी व्रत दोस्तों इसमें अधूरा नहीं रहेगा, यानी कि अब की बार 9 व्रत आपको करने होंगे। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलश स्थापना कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो हिंदू धर्म के तीज त्योहार के दौरान घट स्थापना को विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास होता है। कलश को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। घट यानी कलश में शक्तियों का आह्वान करके उसे सक्रिय करना। नवरात्रि में कलश स्थापना करके समस्त शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इसमें घर में मौजूद नकारात्मक वाली ऊर्जा नष्ट होती है। घट स्थापना पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी चाहिए? तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस दौरान दोस्तों समय का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी के पात्र में खेत की स्वच्छ मिट्टी की एक परत डालें, उसमें 7 प्रकार के अनाज बोएं। व्रत का संकल्प लेकर अब ईशान कोण में पूजा की चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो की स्थापना करें। इसके बाद मिट्टी या तांबे के कलश में गंगा जल, अक्षत, दुर्वा, सिक्का और सुपारी डालें। कलश में मूली बांधें और उसमें आम के पत्ते लगाएं। कलश के ऊपर से अब लाल चुनरी से बंधा हुआ जटा वाला नारियल रख दें। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसमें त्रिदेव का भी वास होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और दोस्तों कलश के ऊपर उस नारियल को आप रख दें। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 26 सितंबर सोमवार 2022 घट स्थापना प्रातः 6:11 से लेकर 7:51 तक है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर 12:42 तक रहने वाला है। इन दोनों समय के दौरान आप कलश स्थापना जरूर कर लें, ये बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। दोस्तों अब की बार महासंयोग भी बन रहा है। दोस्तों कई सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है जब माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर ही दोस्तों वो जाएंगी। इसलिए दोस्तों अब की बार बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। देश विदेश में सुख समृद्धि आने वाली है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स को खाली बिल्कुल ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरी ओर से आप सभी को जय माता दी।